मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। चलिए पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है प्रायद्वीप भारत है, इसका जो है ये वाला भाग जो है पश्चिमी घाट पश्चिम की ओर पश्चिम घाट है, और ये वाला जो भाग है ये है आपका पूर्वी घाट। तो ये देखिए मिलन स्थल, ये जो आपका मिलन स्थल बोल रहा है कि ये मिलता कौन है, ऐसे करके मिलता है यहाँ, तो ये मिलन स्थल क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको समझिए आराम से। देखिए ये जो पश्चिमी घाट है ये महाराष्ट्र में, इसको सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट का नाम है सह्याद्री, कहाँ में, महाराष्ट्र में। और इसी सह्याद्री में दो घाट है, थाल घाट और भोर घाट। एक मतलब आता है, एक थाली है भोपाल के, याद रखिएगा थाली है भोपाल के, यानी थाल घाट भोर घाट और पाल घाट, थाली भोपाल ये याद रखिएगा। इसलिए हम बोले ये थाल घाट और भोर घाट जो है इसी सह्याद्री पर्वत में है। एक देखिए ये जो है थाल घाट ऐसे करके चल जाता है, तो ये मुंबई और कलकत्ता के बीच जो घाट बना हुआ जाने का रास्ता है ये थाल घाट है, और भोर घाट इधर है, यानी इस रास्ते में आपका मुंबई और पुणे क्षेत्र आ जाता है, और मुंबई टू नासिक जो आता है इधर चेन्नई साइड, यानी मुंबई से जो तमिलनाडु और कर्नाटका क्षेत्र में जो घाट गया है उसको कहते हैं भोर घाट। ये दोनों सह्याद्री में और महाराष्ट्र में है। और पाल घाट, पाल घाट तो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट भी है पाल घाट में, तो ये देखिए केरला लगभग यहाँ है, ये इसी के बीच में, ये दोनों के बीच में देखते हैं, ये जो पूर्वी घाट आई है और ये पश्चिमी घाट, यही है आपका पाल घाट। पाल घाट कहाँ है, केरला में, ये जो है केरला और चेन्नई के बीच जो घाट बना हुआ है, ये आपको प्रश्न आएंगे। थाली है भोपाल के, ये ट्रिक भी याद रखिए। तो अब देखते हैं पश्चिमी घाट में, ये जो है आपका सह्याद्री पर्वत है, और ये वाला जो पर्वत है यही नीलगिरी है, तो यही आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट में नीलगिरी मिला है। नीलगिरी की बात करेंगे, इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है, और नीलगिरी में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भारत का पहला बायो रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र इसे माना गया है, विश्व धरोहर सूची में भी है ये नीलगिरी की पहाड़ी। ऐसा प्रश्न आएगा, भारत का पहला जो है जैव रिजर्व कहाँ है, यही नीलगिरी की पहाड़ी, इसको याद रखिए, 1986 में दिया था मान्यता। चलिए अगला जो आप देखते हैं ये पश्चिमी घाट, ये आगे आके इसी का नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। अब देखिए ये पहाड़ी ऐसे आता है और ऐसे करके यहां मुड़ जाता है, ये आप देखिए इसको बहुत अच्छा से समझिए, इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट आपका कई प्रश्न हल हो जाएंगे, कि भारत का जो है दक्षिणतम जो है अन्नामलाई की पहाड़ी, पूछेगा इसमें पहाड़ी में कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का अनायमुडी, इसी अन्नामलाई में अनायमुडी पहाड़ी जो है अन्नामुडी, ये भारत के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, दक्षिण भारत की, भारत का तो आप जानबे करते हैं, इसको दक्षिण का एवरेस्ट भी बोला जाता है अन्नामुडी को। अब देखिए ये जो आप अन्नामलाई का पहाड़ी है, इधर नीचे चल जाता है, इसका नाम है इलायची की पहाड़ी, इलायची खाते हैं ना, याद रखिएगा इलायची की पहाड़ी, तो यही जो सबसे इसका ऊँची चोटी है इसी को बोलते हैं कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स याद रखिए। अब देखिए ये इधर मुड़ गया है, इधर इधर चूंकि इधर तमिलनाडु है, तो इधर जो ये मुड़ गया, इसका नाम है पालनी की पहाड़ी, ये भी आपको बार बार आएगा, यहाँ पालनी पर्वत भी है, पालनी पूजा भी लोग जाता है, पालनी जो है पहाड़ी यहाँ है, और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है कोडैकनाल, कोडैकनाल बहुत ही अच्छा पर्यटक है कोडैकनाल घूमने का, और ये कोडैकनाल बार बार प्रश्न में आते हैं कि किस जो है पहाड़ी का हिस्सा है, तो पालनी की पहाड़ी का कोडैकनाल शहर है बहुत बड़ा ऊपर में, जैसे ऊटी, हाँ एक चीज, ये नीलगिरी में ऊटकमंड, ऊटी जो है वहाँ ऊटकमंड स्टेशन है, ऊटी सबसे घूमने वाला जगह है, नीलगिरी पर है, जो आप ये नीलगिरी पर थे ना ब्लू माउंटेन, वहाँ है ऊटी की पहाड़ी, तो ये याद रखना है। अब देखिए ये पूर्वी घाट के बारे में, ये देखिए उड़ीसा क्षेत्र में मेहेंद्रगिरी की पहाड़ी है,
महेंद्रगिरी, तो यही पूर्वी घाट में सबसे बड़ी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ही है। उसके बाद इधर जो है नेल्लामलाई, नीचे पंचामलाई, ऐसे करके इधर मिल जाती है। तो ये दक्षिण भारत का जो है ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, लगभग नदियों जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कटा छटा है, ये देखिए कटा छटा है पूर्वी घाट और इधर से निकल के इधर चल जाता है। कृष्णी, गोदावरी जो भी नदी है इधर से ही पश्चिम घाट से निकलती है और सब जाके इधर जाके गिर जाती है। तो ये याद रखना है, कटे छटे अगर पूछेंगे पूर्वी घाट है और ये इस तरह है। अब देखिए ये पश्चिमी घाट के कारण ही इधर से जो है आपका मॉनसून, जो दक्षिणी पश्चिम मॉनसून जाता है, इसी से टकरा के सबसे ज्यादा केरला में होता है। ये सब तो आपको पिछले हम क्विज में बताए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां का शासक कौन था। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा प्रश्न आपको फ्रांस से रिलेटेड आएगा। दशमलव प्रणाली का शुरुआत फ्रांस से हुआ था, भारत में 1857 से लागू हुआ। तो ये फ्रांस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां कई चीज हुआ, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुआ है, इसमें बार बार प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व कहां से लिया गया है। यही फ्रांस की राज्य क्रांति थी। फ्रांस की राज्य क्रांति में पहले लुई 14वां थे, इसका प्रश्न क्वेश्चन था कि राज्य क्रांति 1789 जब हुआ था उस समय लुई 16वां थे, 16, और इसी को पकड़ के फांसी दे दिया था लुई 16वां को। लुई 16वां का पत्नी का भी नाम पूछता है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम प्रश्न कब आता है, लेकिन इसका पत्नी बार बार कंपटीशन, तो मेरी एंटोइनेट इसका पत्नी है, इसका ये प्रश्न आता है कई कंपटीशन में, हमने देखा है उसको देखिए। और इससे पहले लुई 14वां थे, वो जो थे एक नंबर का निरंकुश था, बहुत ही अयासी टाइप का था, एकदम मदिरापन। तो ऐसे भी फैशन की नगरी बोलते हैं ना पेरिस को, फ्रांस का पेरिस, फैशन की नगरी पेरिस होता है वहाँ। ये जो है बरसा एक जगह था, उसको बनाया था ये राजधानी उस समय फ्रांस में, और बहुत बड़ा राजमहल वहाँ ये लुई 14वां। एक वर्ड भी आता है, आई एम स्टेट एंड माई वर्ड इन लॉ, मतलब मेरा, मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, ये प्रश्न आएगा। मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, कौन बोला है, लुई 16वां नहीं, तो उसको याद रखना है। अब बात करेंगे फ्रांस से, तो फ्रांस में नेपोलियन आया था, नेपोलियन का, चूंकि उसका जन्म पूछता है कब हुआ कहां हुआ, तो ये सबको आप याद रखिए। जन्म जो उसका हुआ था 1769 में हुआ था, गांधी जी का 1869 में हुआ था ना, बता दीजिए याद रखने के लिए। नेपोलियन कोर्सिका द्वीप में हुआ था इसका जन्म, और इसका मृत्यु जो हुआ था, ये दो युद्ध लड़ा था, एक ट्राफलगर का वाटरलू, वाटरलू के लड़ाई में ये मित्र राष्ट्रों से हार गया था। उस समय मित्र राष्ट्र और दो राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों से ये हार गया और इसको पकड़ के सेंट हेलेना द्वीप पे 1815 में भेज दिया और 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। इसको याद रखना है। तो ये दो युद्ध है 1805-1815, ये याद रखिएगा। ये ट्राफलगर का युद्ध है, ट्राफलगर का युद्ध, और 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, इसी में ये हार गया और इसी में पकड़ के उसको सेंट हेलेना द्वीप में ये मर गया। जन्म हुआ कोर्सिका में और मर गया सेंट हेलेना में, ये भी याद रखना है। और ये जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है। पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, ऐसा वेग जो यहां से भागेंगे पृथ्वी का गुरुत्वाक्षेत्र से बाहर चला जाए। तो पलायन वेग जो है यहां का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यह है पृथ्वी का। लेकिन आपको प्रश्न आएंगे सूर्य पर कितना है, तो 42 किलोमीटर पर सेकंड है सूर्य पर। सूर्य पर वैसे तो वहाँ ट्राई ने अनुमान लगाया गया या सर्च किया गया है कि 42 किलोमीटर पर सेकंड से अगर वहाँ भेजेगा तो वहाँ का पलायन वेग, और चंद्रमा पर है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग का मान, इसको याद रखिए। पलायन वेग का कभी कभी पूछ लेता है फार्मूला क्या है, रूट अंडर टू जी आर, आर जो है पृथ्वी का त्रिज्या है, इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला भी पूछ लेता है। बोलता है कि कक्षीय चाल में अगर 41% बढ़ा दिया जाए तो ये जो है पलायन वेग की तरह बाहर निकल जाएगा। कोई भी उपग्रह अगर पृथ्वी का चाल कर रहे हैं कक्षीय चाल में, अगर 41% बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको पलायन वेग में आते हैं, इसको याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसके मिलाने से दूर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल का आप जानते हैं H2O है और भारी जल D2O है, ये याद रखना है।
ड्यूटोरियम ऑक्साइड भारी जल, H2O जल, ये तो जानते हैं। अब जल में पूछा है कि अस्थाई कठोरता किसके मिलाने से दूर की जाती है। पहले जानना है कठोरता क्या है। जल दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर क्या है कि सॉफ्ट वाटर कि जिसको जिसको कि साबुन से मिलाने पर झाग दे दे, झाग अगर दे दिया तो वो सॉफ्ट वाटर है, और जो झाग नहीं दे, बहुत पानी है जिसमें आप साबुन से रगड़िएगा झागे नहीं आएगा, उसको बोलेंगे हार्ड वाटर, वही है आपको कठोरता। जनरली तो आपको झाग निकल जाता है तो सॉफ्ट वाटर है, तो हार्ड वाटर जो है यही जिसमें झाग नहीं निकले। अब हार्ड वाटर कठोर जल में भी दो को बोल दिया है, अस्थाई कठोरता वो अस्थाई कठोरता। ये हार्ड वाटर में भी एक अस्थाई है और दूसरा वो अस्थाई, इसको भी समझना है। अस्थाई क्या है कि जिसको गर्म करने पर ही कठोरता खत्म हो जाए तो वो हो जाएगा वो अस्थाई, अगर नहीं खत्म होता अस्थाई परमानेंट धरल है, कत्तो गर्म करेंगे वो वैसने का वैसने है। तो यही अस्थाई कठोरता और वो अस्थाई कठोरता। तो इसको क्वेश्चन है कि अस्थाई कठोरता किसके मिलाने से दूर की जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, धोबन सोडा, वाशिंग सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सोचिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने वाला सोडा है, खाते हैं ना जलेबी उलेबी में मिला देता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये प्रश्न आपको आएगा, तो ये देखिए जल की अस्थाई कठोरता जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाने से खत्म होगा, वो अस्थाई कठोरता जो है उबालने से खत्म हो जाता है, उबालेंगे या आसवन विधि से समाप्त हो जाती है। तो ये आप इसको देख लीजिए और इसको आराम से लिख भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय परिषद जो है आपको राष्ट्रपति द्वारा स्थापना होता है, और क्षेत्रीय परिषद के केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्षता बना दिया जाता है, लेकिन इसका उपाध्यक्ष जो होता है रिलेटेड राज्य, इससे जो रिलेटेड राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको बना देते हैं उपाध्यक्ष। अब ये क्षेत्रीय परिषद जो है 5 है, क्षेत्रीय परिषद इसका जो स्थापना हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 में, उसी समय इसकी स्थापना की गई थी, और 1971 में जो है एक पूर्वोत्तर अलग से वो मांग किया, उसके लिए अलग एक बना दिया गया है, लेकिन छठा उसको जोड़ा गया है पूर्वोत्तर, चूंकि पूर्व क्षेत्रीय में ये बिहार उड़ीसा बंगाल और जितना पूर्व वाला है सब राज्य है। तो ये सबको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।